शांति 21 जुलाई 2023 की साकार मधुर मुरली, प्यार के सागर, मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं मीठे बच्चे। सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है, वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। ये बात सिद्ध कर सबको समझाओ। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा उत्तर देते, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बिगर नहीं रह सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहां भी है पॉइंट्स मंगाकर भी पढ़ेंगे। कितनी अतः पॉइंट्स चलती है, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? ये पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। सिर्फ जो सुना सच सच कहना, ये तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उन अनेक बनाए हैं शिव बाबा के, तो मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। कर्तव्यवाचक नाम रखे हैं ना शिव बाबा के। ढेर मंदिर है जहां लिंग रखा रहता है। बॉम्बे में है तो उसको बाबूरी नाथ कहते हैं, है तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय है ही तुम त्रिलोकीनाथ। वो कहते हैं हम सभी को टाइटल क्या दिया बाबा ने आज, त्रिलोकीनाथ। क्योंकि तुम जानते हो, जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते? सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ है, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। नशा चढ़ा है ना सभी त्रिलोकीनाथ? कहे हाँ जी बाबा। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है, वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता, यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉडफादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में जाता ही नहीं हूं, और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते हो कि सारी सृष्टि का पालन करता है, तो मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं ना। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर, शिव बाबा बाबा है, उनको माशुक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक है उस माशुक के। तुम सब सजनिया हो, वह साजन ठहरा। साजन है निराकार, कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता।
सभी का माशुक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशुक को याद करती है। याद क्यों करती है? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। ये आशिक माशुक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक माशुक होते हैं, उन्हों की भी महिमा है और वो बहुत थोड़े होते हैं। एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता। सिर्फ एक दो को देखते रहते, देखने बिगड़ सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं। कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने माशुक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएंगे। उनको ही देखते रहेंगे, वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक है उस माशुक अर्थात शिव बाबा के। परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। ये फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, है ना सभी का? कहे हाँ जी बाबा। बेहद का प्यार एक में रहता है, बच्चे जानते हैं। उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनास्टी होगी। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सत्युग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बरोबर यमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा यमुना आदि ये तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। ये जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। न कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। ये बंबई थोड़ी होगी, अभी ये तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलेवेड गॉडफादर क्राइस्ट को गॉडफादर नहीं कहेंगे, जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉडफादर नहीं समझते, रिसेप्टर समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदमशुमारी अर्थात जनगणना में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण है। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही है, इस समय हम है ही ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे तो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वहां स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म। तो पूछने की दरकार ही नहीं, यहाँ बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो बुद्धि से बाप को याद करना है ना, वह है ही निराकारी और उनका ही नाम, उनका एक नाम है, हम उनको शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है, समझते भी है कि ये भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते, आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती है, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए, तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान न सके। सत्युग में ये ज्ञान ही नहीं रहता, ये सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है।
दिलवाड़ा मंदिर में शिव, आदि देव, आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं, जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ, ये तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे, शिव बाबा की दुकान है, मनुष्य को देवता बनाने की फिर उनमें नंबरवार है। शिव बाबा की दुकान अलग है, यूनिक है, मनुष्य को देवता बनाने की। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान हैं, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ये बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। बड़े से बड़ी झूठ जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते थे, रावण कौन है, कब से आए हैं, ये भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं, सत्युग को तो जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहां रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती है। यहाँ ये सब बातें बाबा समझाते हैं कि अभी की बात है, रावण अर्थात माया अर्थात पांच विकार यहीं पर है। ये तो एक गपोड़ा लगा दिया है, राम के साथ में रावण को बता दिए। कोई को समझाओ तो फिर कह देते ये इन बीके की कल्पना है। अभी शिव बाबा को हम बेहद का राम कहते हैं, जो हमें रावण अर्थात माया के चंगुल से, पांच विकारों से छूटने की योग के द्वारा युक्ति सिखाते हैं, और वो लोग समझते हैं बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है वह धारण करनी है, जहां भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं तो उनको क्या कहेंगे, कोई को धारण कैसे करा सकेंगे। इतनी अतः पॉइंट्स चलती है, वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे नहीं तो धारणा कैसे होगी। ये तो एजुकेशन है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे। ये तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। ये तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ न सके। श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहेंगे, त्रिलोकीनाथ नहीं, तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे, तो बाबा ने बहुत दिखाया। फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी हैं, इनको कहा जाता है अति खूने नाहिक, दुनिया नहीं जानती। ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी, अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, भल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य, वहां सुखी सुख है, यहाँ है दुखी दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना, भल काम है हाथ कारडे दिल यारडे, भल काम तो है हाथों से कर्म करे, दिल से बाबा को याद करे, बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, ऐसे ही करते हैं ना सभी, कहें हाँ जी बाबा। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है, अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो।
21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात ही नहीं। यहां तो देखो मनुष्य को कितना फिक्र रहता है, वहां तो फिक्र होती नहीं। तुम वहां प्रलब्ध भोगते हो, परंतु वहां ये भी पता नहीं पड़ेगा कि हम प्रलब्ध भोग रहे हैं। ये नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहां पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं, वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। जब सब धनवान है वहां पर, यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने। वहां तो न जज न डॉक्टर आदि होते, वहां कोई पाप करते ही नहीं, वहां कोई चोर चकार होगा नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह ही नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। यहां भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा। अब तो कितनी महंगाई है, अर्जुन, महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। रामानुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। दो बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। यह है भी गुप्त वेश में, शुभवा ब्रह्मा रथ में आए हैं। कोई शोर नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई दिखावा नहीं, एकदम साधारण। तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। निश्चय हुआ और प्रलब्ध के अधिकारी हुए। खुदा दोस्त की कहानी है ना, ये महिमा बाप की है। छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धियोग एक बाप से लगाना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। आज का मीठा वरदान, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। तो आज का हमारा स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। सर्वशक्तिमान शिव बाप की संतान हम सभी मास्टर सर्वशक्तिमान। विश्लेषण, कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथ ही बन, शुभ भावना रख, चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित रहते हैं। छा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि अव्यक्तवाणी पे क्लास 8:45, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, और मुरली क्लास सुबह 5:45। ओम शांति।